आप बीएसपी से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, कहां चुप हुई थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी तरीके से पार्टी? कट्टर मुसलमान की बात कही तो हम उसके पक्षधर नहीं रहे, और ये बीजेपी और दूसरी पार्टियां ऐसी रही हैं कि वो कट्टरता की बात करती थी। बाबा अंबेडकर साहब को कांग्रेस ने हरवा दिया था और चुनाव जीतने नहीं दिया था, और कुमारी बहन मायावती जी हम जैसे लोगों को जिता करके सदन में भेज दिया। नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट के बदकही कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है इस समय बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी, मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। हाल में बीएसपी में बहुत कुछ हुआ है, बड़ा संदेश है, उन्होंने मायावती जी ने अपना वारिस चुना है, इसको लेकर के आप लोग कितना संतुष्ट है और आगे का क्या रोड मैप? जी हाँ, वारिस कहो या उत्तराधिकारी कहो, एक ही बात। हाँ, और आने वाले समय में जो चीजों को संभालेंगे और डिक्लेयर कर दिया है तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, और यूथ जो जुड़ेगा उनसे, और जो आज के परिवेश में यूथ जो नई लोग आ रहे हैं जो 20 साल पहले चीजों को उनको पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आज के परिवेश में यूथ के साथ कनेक्टिविटी यूथ की अच्छी होगी, मेरे हिसाब से ये बदलाव एक अच्छी सोच है हमारी बहन मायावती जी की, और इसका सब लोगों ने स्वागत किया है और हमारी तरफ से। आखिरकार आप बीएसपी से इतने दिन से जुड़े हुए हैं, कहाँ चुप हुई थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी तरीके से पार्टी? देखिए, ये इसको आप चूक मानते हैं, हम इसे चूक नहीं मानते, हम इसे देश के हित में और राष्ट्र धर्म हमने निभाया, देश धर्म हमने निभाया, देश के लिए काम किया, देश की जनता के लिए काम किया, और हमेशा अगर किसी ने कट्टर हिंदू की बात करी तो हम उसके पक्षधर नहीं रहे, कट्टर मुसलमान की बात कही तो हम उसके पक्षधर नहीं रहे, और ये बीजेपी और दूसरी पार्टियां ऐसी रही हैं कि वो कट्टरता की बात करती थी तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी बात करते थे कट्टरता की उनकी तरफ चला गया, तो इसलिए हम थोड़ा कमजोर हुए, पर 13.5% वोट हमारा इंटेक्ट रहा है, और हमारे बगैर यूपी में 13.5% जिधर चला जाएगा उधर ही बिल्कुल पलड़ा भारी हो जाता है, और इसलिए 13.5% जिसकी यूपी होगी देश उसका होगा, तो 2024 हमारे बगैर कहीं किसी का कुछ नहीं होगा। बीएसपी एक ऐसी पार्टी थी, तमाम क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद का आरोप, बीएसपी अभी तक इससे बची हुई, अब बीएसपी ने भी वही काम किया है जो और दलों ने किया। देखिए, मेरे हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं ऐसे कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक है, आप पत्रकार हैं तो आपका बेटा जब घर में आएगा और आपके जो रिश्तेदार हैं आपको पत्रकार की हैसियत से देखेंगे, और आपका बेटा जरूर आपसे एडमायर होगा क्योंकि आपका बच्चा आपको आदर्श मानेगा, तो वो भी चाहेगा मैं भी बड़ा होकर पत्रकार बनूं, तो उसको पत्रकार जब वो बनेगा तो कहेंगे परिवारवाद होता आ रहा। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए, और हमारी पार्टी में हम जैसे लोगों को जगह मिली है, हम जैसे लोग एमपी बनाए हैं, और कुमारी बहन मायावती जी आज उस जगह हैं। बाबा अंबेडकर साहब को कांग्रेस ने हरवा दिया था और चुनाव जीतने नहीं दिया था, और कुमारी बहन मायावती जी हम जैसे लोगों को जिता करके सदन में भेज दिया, तो वो एक उनकी एक जगह है, एक मुकाम है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कह करके आप अपने को संतुष्ट दे रहे हैं। देखिए, कोई भी हो राजनीति में आता है आगे बढ़ने को, किसी भी प्रोफेसर में हो, और अचानक ऊपर से कोई थोप दिया जाए तो लगता तो है कि ये कहां से आ गए। नहीं, वो पिछले आपको, ये तो मैं क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, ये तो कह नहीं सकता कि पूरा होमवर्क नहीं करा है, वो तो पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पिछले लोकसभा के चुनाव में पिछले लोकसभा के चुनाव में हर जगह कुमारी बहन मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ, हमारे साथ हर जगह जाके लोकसभा के चुनाव में भाषण दे रहे थे, 5 साल होने को आए, उसके बाद में वो मध्य प्रदेश के इंचार्ज थे, राजस्थान के इंचार्ज थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, जो देश स्तर पर पार्टी के लोगों को कोऑर्डिनेट करके कुमारी बहन मायावती जी और कोऑर्डिनेटर के बीच में समन्वय की बात बना करके और पूरे प्रदेशों को देख रहे थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे मलूक नागर जी, जिनका मानना है कि आकाश आनंद के आने से पार्टी को गति मिलेगी, युवा जुड़ेंगे। अब देखते हैं, चूंकि 2024 का चुनाव है, उसमें क्या होता है। शुक्रिया।